Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. मैं गुजरी हुई बातों को याद दिला के तुम्हें दुखी नहीं करूंगी. तुम पे जो गुजर गई है उस दर्द का एहसास तो कोई भी नहीं कर सकता. हाँ, पर मैं इतना कहना चाहती हूँ कि अभी बहुत सारी जिंदगी बाकी है और हम सारी जिंदगी गम के सहारे नहीं बिता सकते. मैं क्यों उसका इंतजार करती रहती हूँ? क्यों उसे देखे बगैर मुझे चैन नहीं आता? ये क्या हो रहा है मुझे? हर रिश्ते से इतनी चोट खाई है मैंने. लेकिन कभी कभी इंसान किसी की नफरत में भी पागल हो जाता है. हाँ, तुम सही कह रही हो. मैं बच्चों के बारे में ही सोच रहा था. अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है. फिर तुमने आगे क्यों नहीं पढ़ा? बस आगे पढ़ाने के लिए मेरे अब्बा के पास पैसे नहीं थे. मेरे तीन छोटे बहन भाई और थे ना, पर अब तो कोई भी नहीं रहा. काश के हम भी कोई मैगजीन होते. आप देखती तो सही. किसी रक्षे के पीछे भागते हुए आ रहे हो क्या? क्यों? क्योंकि ऐसी बातें रक्षे और ट्रकों के पीछे लिखी होती हैं. हाँ हाँ, अब तो मेरी बातें भी चिचोरी लगेंगी, है ना? सिर्फ बातें? देखा, बच्चों की तरह रूठ गया ना फौरन. तुम हंसती हो ना तो बहुत बुरी लगती हो. रोया करो, वही तुम पे सूट करता है. हाँ तो रुला दो मुझे. मैं क्यों रुला दूं? मैं क्या ये काम करने के लिए रह गया हूं? अच्छा छोड़ो, इस बात को. मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी मसले में बात करनी है. जरूरी बात? बोलो. वो तुमने लज्जो को ये क्यों कह दिया कि वो यहां रह सकती है? आहिस्ता बोलो, क्यों, क्या मसला है? अरे बाबा, मौसी ने कहा था कि वो यहाँ आके उसका इंतजाम करेंगी. क्या इंतजाम कर लेंगी मनोज? जवान लड़की है, इस तरह से अकेला तो नहीं छोड़ा जा सकता ना उसको. हाँ, कहती तो तुम ठीक हो, लेकिन. कोई लेकिन वेकिन नहीं, मैंने फैसला कर लिया है. लज्जो अब यहीं रहेगी मेरे पास. और हाँ, इस मौजू पे अब कोई बात नहीं होगी. अगर उसने सुन लिया तो हर्ट होगी ना. जो हुकुम आपका देवी जी. नहीं करेंगे इस मौजू पे बात. फिर किस मौजू पे करेंगे? किसी भी मौजू पे नहीं. चाय पीनी है? आखिर ये खबर कब आएगा? रोज कहता है तीन चार दिन और लगेंगे, अब तो ये फोन भी नहीं उठा रहा है. और ये अनीसा बेगम भी पड़ोस में जाकर भूल जाती हैं कि उनका एक अदद घर भी है. अबू, मैं जरा डॉक्टर के पास जा रही हूँ. खैरियत, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं, बुखार हो रहा है और सर में भी शदीद दर्द हो रहा है. मैंने सोचा कि डॉक्टर को दिखा दूं. ठीक है, मैं चलता हूं तुम्हारे साथ. नहीं नहीं अब्बू, आप रुकें, मैं दिखा के आ जाऊंगी. अरे मैं चलता हूं तुम्हारे साथ, तुम अकेले कैसे जाओगी? अब तो अपने काम अकेले करने की ही आदत डालनी होगी. नहीं अब्बू, मैं चली जाती हूँ, आप फिक्र ना करें. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज बेटा.
देख रहे हैं अल्ताफ? तुम्हारे दावे। मतलब आपको अभी भी मुझ पर एतबार नहीं है? इतनी जल्दी कैसे होगा? उसके लिए तो तुम्हें मुझे टाइम देना होगा, खुद को प्रूफ करना होगा। ठीक है, जितने दिन चाहे देख लें, लेकिन अब मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी हूँ। आज नहीं तो कल यकीन आ ही जाएगा आपको। हो सकता है। अच्छा, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, एक घंटे में आ जाऊंगा। ठीक है, लेकिन जल्दी आ जाइएगा। तो आपने जब से मुझ पर घर के कामों पे पाबंदी लगाई है, मेरा तो दिन ही नहीं गुजरता। ठीक है, जल्दी आ जाऊंगा। ये लो, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बेवकूफ समझता है मुझे, मैं फोन करूंगी और नंबर डिलीट नहीं करूंगी क्या? हाँ जिशान, अब बोलो। राबिया, राबिया, डॉक्टर के पास गई है। डॉक्टर के पास? क्यों, अब क्या हुआ है उस ड्रामेबाज को? बुखार था उसे, तबीयत खराब थी उसकी। एक तो मैं आपकी इस नाजुक हसीना से बड़ी परेशान हूं, जब तक कोई ना कोई ड्रामा ना कर ले रोज, इसका खाना हजम नहीं होता। ड्रामा कैसा बेटा, इंसान है, तबीयत भी खराब हो सकती है, तुम्हें क्या मसला है? मसला ये है कि खाना नहीं बना आज घर में, आप लोगों का कुछ खाने का तो इरादा है नहीं। आएगी तो पका लेगी, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। परेशानी मुझे अपनी भूख की है, अपनी बीवी से जाकर कहें कि कुछ खाने के लिए बनाए जल्दी। क्या, वो बनाएगी खाना? क्यों, अब इसमें भी कोई फितना खड़ा करने वाले आप? क्या प्रॉब्लम है खाना बनाने में, सारी जिंदगी खाना नहीं बनाया क्या उन्होंने? बेहतर तो यह है कि अगर आज राबिया घर में नहीं है तो कम से कम तुम किचन की शक्ल देख लो। अब्बा जी, मुझसे ज्यादा कॉमेडी करने की जरूरत नहीं है, किचन की शक्ल मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि कैसी है। आप लोग अपनी अयाशियों के बदले अगर थोड़ा बहुत काम कर लेना तो घिस नहीं जाएंगे। अम्मा जी से कहें कि खाना बना ले, भूख लग रही है मुझे, और आधे घंटे में मुझे खाना रेडी चाहिए। सुना आपने? ये लड़की तो हमें मुलाजिम बनाकर ही दम लेगी। निशा बेगम, कितनी बड़ी गलती कर दी तुमने, और साथ देती है तुम खबर का, अब भुगतो। जी अस्सलाम वालेकुम, अल्ताफ बोल रहा हूँ। वो मैंने आपसे कहा था ना पेपर तैयार करने के लिए, वो आपने शुरू कर दिए क्या? हाँ तो प्लीज़ उन पर काम शुरू कर दीजिए। हाँ, ये मैं बताऊँगा कि मैं साइन करने कब आऊँगा। जी जी, हाँ आप फिक्र ना करें, मैं बहुत सोच समझ कर ये कदम उठा रहा हूँ। हाँ हाँ, मैं पहले अपनी पूरी तसल्ली करूँगा फिर साइन करूँगा। देखें वकील साहब, मेरे बाद ये सब कुछ मेरे अपनों का ही तो है, मैं चाहता हूं कि बाद में किसी को कोई परेशानी ना उठानी पड़े। तो आप काम शुरू कर दें, जैसे ही कागजात तैयार हो मुझे फोन कर दीजिएगा, मैं आकर दस्तखत कर दूंगा। अल्लाह हाफिज। ये कैसे कागजात तैयार करवा रहे हैं अल्ताफ? जो कुछ मेरे पास है मैं उसको उसके सही मुकाम पर पहुंचाने की तैयारी करता हूँ। मतलब ये कि मेरे बाद मेरे जो वारिस हैं उन्हें कोई परेशानी ना हो। देखो साहिमा, हर चीज क्लियर होनी चाहिए कि किसके हिस्से में क्या आया। अब क्या हो गया अल्ताफ आपको, ये सब बातें क्यों कर रहे हैं? अल्लाह आपको सलामत रखे।
ये सब करने की क्या जरूरत है? अभी मैं अपने होश में हूं, कल का क्या पता। और वैसे भी अभी से तैयारी करने में हर्जी क्या है? पहले मैं ये यकीन कर लूं कि मेरे अपने कौन है। अल्ताफ, आपका इशारा मेरी तरफ है ना? अल्ताफ, मैं ऐसा क्या करूं कि आपको मुझ पर यकीन आ जाए? वो भी बताऊंगा, बस तुम मेरी बनकर रहो। तुम यकीन मानो, मेरी जात से तुम्हें फायदा ही पहुंचेगा। ऐसा फायदा जो इस दुनिया में तुम्हें कोई दूसरा नहीं दे सकता। मनोज, ऑफिस जा रही हो? हाँ, वो मैं बताना भूल गई, मैं आज लच्छो को लेके बाजार जा रही हूँ। क्यों? वो उसके लिए कुछ कपड़े खरीदने हैं ना। क्यों, कपड़े लेके नहीं आई क्या वो? नहीं बाबा, मैंने उसका बैग चेक किया था, सारे कपड़े उसके पास पुराने थे, तो मैंने सोचा कि कुछ नए कपड़े ले दूँ उसको। हाँ हाँ, ज़रूर। मेरी ज़रूरत तो नहीं है? नहीं, हम चले जाएंगे। वो बदबू है कहाँ? सो रही है, कल रात बहुत थक गई थी, मैंने उसे उठाना मुनासिब नहीं समझा। ओके, मैं जाऊँ? प्लीज। ओके, सी यू, गुड डे। आपने पढ़ी ये कहानी? जी पढ़ ली। क्या कहती हैं आप? अच्छी है, ठीक है। आपको कैसी लगी? मसनूई है। ऐसी बातें किताबों में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन असल जिंदगी में नहीं। बच्चों के लिए क्या शॉपिंग करनी है भाई? कपड़े वगैरह लेने। मैं उनसे पहली दफा मिलूंगी, खाली हाथ तो नहीं जा सकती ना। हाँ ये तो है, वैसे मैं भी यही बात सोच रहा था। चलो तुमने ये बात कर दी। देखा मैंने आपके दिल की बात कैसे जान ली। और इतना मजा आया, हमने कपड़े खरीदे, खूब घूमे फिरे, आइसक्रीम भी खाई। गुड, वेरी गुड। बहुत घूमे भाई मैं और लच्छो। ATV, सारे रंग हमारे।